opposite. दिलीप जी इधर एक बार हमारे आज के खास साहब का स्वागत करें भुक्के के साथ। पुष्पा शुक्ला जी, पुष्पा शुक्ला जी वो सब मुझे देखने श्री एंड श्रीमती को ध्यान साहब, दिलदार साहब और दिलीप जी स्वागत करेंगे मौके के साथ। मोहन सिंह सैनी साहब, जो कि आज के इस दौर में इस गजल के फॉर्म को जिंदा रखे हुए हैं। मैं आते जब ये किताब में जब मेरी नज़र पड़ी तो अंदर एक बहुत ही खूबसूरत जो बात थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मीरो गालिब की कहानी है गजल, इल्म की पुख्ता निशानी है गजल। फैज़ अहमद भी यहीं बैठे हुए हैं। फैज़ अहमद ने सवारा है इसे, तब से दरिया की रवानी है गजल। आए सींचे इसको अपने खून से, गर किसी को आजमानी है गजल। तो गजल क्योंकि मैंने शुरू से हमेशा गजल बहुत मैंने उसको गाया है, मैंने समझा है, और गजल लिखने के लिए मुझे लगता है कि रूहदारी की बहुत ज़रूरत होती है। और जिस तरह से ये चंद शेर मुझे देखने और पढ़ने को मिले, मुझे लगता है कि इस पूरी किताब में बहुत ही उम्दा गजलें होंगी और बहुत ही उम्दा कलाम दिलदार साहब ने लिखा होगा। मैं तहे दिल से हमारे बड़े भाई दिलीप सिंह जी, फैज़ अनवर साहब और तमाम उस हमारे बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। खास करके हमारे राजेंद्र सिंह दिलदार जी,
उनको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह वो लिखते रहे, और बहुत जल्दी मैं मुझे लगता है कि इस किताब से एक दो गज़लें रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि हमारी ये बात बहुत देर से चल रही है और मैं बहुत जल्दी देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जब शौक हो तो इंसान सब चीज़ें मैनेज कर सकता है। वेरी गुड। मैं बाई प्रोफेशन एक कारपोरेट लायर हूँ और बाई पैशन एक राइटर और शायर हूँ, और शायद बहुत कम लोग जानते हैं मैं एक एनजीओ भी चलाता हूँ विशेष वाइल के नाम से, जिसमें हम गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन, मेडिकल और जो लीगल हेल्प के लिए हमारी संस्था काम करती है। देखो, गज़ल के चाहने वाले तो आज भी हैं, पर अच्छी गज़ल लिखने वाले कम हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि शायद मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, इसलिए मैं गज़ल लिखता हूं, और गज़ल से मोहब्बत है। मेरी गज़लें जो लिखी हुई हैं आवाम को पसंद भी आती हैं, जिससे मुझे हौसला मिलता आगे लिखने। दिलदार साहब, मिस्टर राजेंद्र सिंह अरोड़ा, उन्होंने बोला है, इनका तखल्लुस है दिलदार, सही बोल रहे हैं। म्यूज़िक ये दौर बदला है काफ़ी इस वक्त, आपसे कुछ साल पहले था, अब वो नहीं रहा। जो लोग लिख रहे हैं तो लोगों की डिमांड भी होती है, प्राइवेट में जो सिंगल्स आते हैं, गज़ल आती हैं, इस तरह से लोग सुन रहे हैं, पर लिखने वाले हैं, लेकिन जो मार्केट में लेके आती हैं ये चीज़ें, किताबों के ज़रिए हों या सीडी कैसेट के ज़रिए हों, तो लोगों का शौक़ भी बदला हुआ है, उसमें सारे शामिल हैं, कंपनियां शामिल हैं, हम जैसे लोग शामिल हैं। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि दिलदार साहब की कोशिश बहुत अच्छी है, और इन्होंने जो गज़लें लिखी हैं, मैंने एक ही नज़र देखा अभी कुछ गज़लें, अच्छा अंदाज़ है इनका, लफ्ज़ों का रब्त बहुत अच्छा है, खूबसूरत मुनफरद अंदाज़ है ये शेरी मजमूए का, और ये उनका दूसरा मजमू है शायद, मुझे पता लगा, मैं पहली बार आया हूँ इनके साथ में, तो अच्छी कोशिश है इनकी। और बाकी दौर जो दौर चल रहा है उसके हिसाब से सारे बहरे मैं भी बहरा हूँ, कभी मैंने फिल्मों में गज़ल भी लिखी हैं, गीत भी लिखे हैं बहुत सारे, जगदीश साहब ने गज़ल गाई मेरी, कोई फरियाद तेरे दिल में तभी हो जैसे, पर वो दौर अब नहीं है, अब चलना पड़ता है, चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, वो लिखना पड़ रहा है, मैं भी लिख रहा हूँ। जी हाँ बिल्कुल, मैं जी हाँ, और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे ये कहना कहीं हद तक सही है, कहीं गलत है कि गज़लें मतलब ली नहीं जाती है, क्योंकि आजकल के कुछ गाने ऐसे भी हैं जिनमें कहीं ना कहीं शब्दों का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होता है, जो बाबस्ता गज़ल नुमाई होते हैं, मगर आजकल के बच्चे उनको अच्छे ढंग से कंपोज भी कर रहे हैं, तो ये मैं नहीं मानूंगा। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि पहली बात तो आज वो सिंगर भी नहीं रहे जो गज़ल के लिए स्पेशल होते थे, क्योंकि आज जितने भी सिंगर आ रहे हैं सब एक अलग स्टाइल के आ रहे हैं, और उनका जोन ही अलग है, उनके लिए कंपोजिशन ही वैसे ही बनती हैं, और उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम जिस स्कूल से हैं या जहाँ से हम लोग वाबस्ता हैं, तो हमारे लिए ये कोई मुश्किल नहीं है कि गज़ल कंपोज करना या हिंदी गाने या पॉप गाने या फोक गाने। बट हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि दिलदार साहब राजेंद्र जी की ये जो कोशिश है, इस कोशिश को हम एज ए संगीतकार, मैं एज ए ये बाकी जो सिंगर हैं, राइटर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, हम कोशिश करेंगे कि गज़ल नुमा गीत बनाकर हम इनको कहेंगे, तो भी तो मैं इनके कह गया हूँ कि राजेंद्र जी जब से हमसे मिले हैं तो जिंदगी संवर गई, तो मैं ये कहूँगा तो जिंदगी संवर गई, तुम क्या मिले मुझे, तो जिंदगी संवर गई। तो ऐसी बात नहीं है, और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे दिलदार साहब चाह रहे हैं इसी तो जिंदगी संवर गई में से मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने, हो सकता है किसी फिल्म में दूं, मगर प्राइवेट एल्बम तो मैं ज़रूर बनाऊंगा इसका। थैंक यू। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ दिलीप जी ने जो कहा कि ये ऐसी चीज़ें जो ख़त्म कभी नहीं हो सकती, गज़ल कभी ख़त्म नहीं हो सकती हमारे हिंदुस्तान से या म्यूज़िक इंडस्ट्री से। अब भी जो गाने कई बनते हैं उसमें गज़लों के जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो इसीलिए जब कोई अच्छी बात कहनी होती, कोई गहरी बात, बेशक ये तो गज़ल ही सहारा होती है, जब आपको कोई हल्की बात करनी होती तो गज़ल से आदमी हट जाता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्योर जो चीज़ें होती हैं, प्योर जैसे देसी घी होता है ना, इसको गाने वाले बहुत कम हैं,
क्योंकि पचाने वाले भी नहीं। तो मुझे लगता है कि प्योर चीज़ें ये हमेशा रहेंगी, और मेरा मानना है कि गज़ल गाना क्लासिकल से भी मुश्किल होता है, बेशक कि आपको थोड़े वक्त में उस चीज़ का उसका पेश करना, उसके भाव को, उसके अंदाज को, क्लासिकल में आपको टाइम मिलता है। पर मैंने जो बचपन से मैंने गज़ल को हमेशा चाहा है और हमेशा गाया है, और ये बात बिल्कुल नहीं है, जो न्यू जो जनरेशन है उसमें भी मैंने देखा गज़ल का बहुत शौक़ है। हम लोग कभी कॉलेज में प्रोग्राम्स करने जाते हैं तो गज़ल पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो मुझे लगता है कि दिलदार साहब का जो ये उनकी जो कोशिश है वो बहुत अच्छी कोशिश है, और ये इसी कोशिश की वजह से हम लोग इस चीज़ को आगे लेके जा पाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि वो इसी तरह लिखते रहें, और अगर दिलीप जी कंपोज करेंगे तो मुझे लगता है फिर तो एक बात ही अलग हो जाएगी। मैं ज़रूर गाऊंगा, मेरे बड़े भाई आधी रात को भी बुलाएंगे तो मैं ज़रूर करेंगे। और यहाँ फैज़ अनवर साहब हमारे, मैं फैज़ साहब के लिए इतना कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अगर हल्के गाने भी लिखे तो उसमें भी गहराई होती है, बेशक। तो ये शायर का कमाल है, और उसी कड़ी में मैं सोच रहा हूँ कि राजेंद्र सिंह अरोड़ा, दिलदार साहब जुड़ गए हैं, और मैं चाहता हूँ कि इनको अपने इस मुकाम में बहुत ज़्यादा कामयाबी मिले। थैंक यू वेरी मच। Just like the blues in America evolved to rock and roll and rhythm and blues, I think ghazal can also evolve with the new music directors, but they must have the courage to do it. I like his poetry, and if I make a film, I will definitely use him. And I'm starting two projects, and I hope I can do something with him. Thank you very much. सबसे पहले तो आप जीती जागती गज़ल हैं, माशाल्लाह, यही गज़ल की सबसे बड़ी परिभाषा है। आपकी तहजीब, आपकी शाइस्तगी और अदब के लिए इस तरह की खिदमत का जज्बा दौरे हाज़िर में बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो मुबारकबाद कबूल फरमाएँ। और आप सब जो टेलीविजन से मीडिया से आए हैं, दुनिया के 38 देशों में मैं गज़लें पढ़ चुका, दौरे हाजिर में इस वक्त दुनिया में इससे ज़्यादा मकबूल न कोई विधा है, न कोई सिंफ है, न इसका कोई मुकाबला है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मुझे माफ़ किया जाए, मैं सिर्फ रेफरेंस आया तो कह रहा हूँ कि टन 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 तारा आती क्या तू 9 से 12, ये गज़ल से भी ज़्यादा सटीक बहर में है। लेकिन मोहब्बत का ज़माना आ गया है, हमें भी दिल लगाना आ गया है, ये गज़ल। तो गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें दो पंक्तियों में ज़िंदगी निचोड़ के आप रख देते हैं, और जब भाईजान जैसे फ़नकार, दिलीप सेन जी जैसे मौसीकार, फैज़ साहब जैसा सिद्धहस्त फ़नकार, आप जैसे ऐसे प्रोड्यूसर जिन्होंने ना जाने कितनी फिल्मों को ज़िंदगी दी, गज़ल का मुस्तकबिल बहुत बड़ा है। और अरोड़ा जी तखल्लुस से भी दिलदार हैं, दिल के भी दिलदार हैं, और दिल्ली के रहने वाले हैं। गज़ल का मुस्तकबिल बहुत ही चमकदार है। आप सब जैसे लोग अगर हमारी निगहबानी करेंगे तो गज़ल एक ऐसी विधा है। हकीकत यह है भाईजान, जो आपने बात कही कि जब फिल्मों को या मीडिया को, गज़ल 3 किस्म की होती है। एक गज़ल वो होती है जो किताबों में एकेडमिशियंस बंद करके लाइब्रेरी में रख लेते हैं, अब चाहे उसे मीर का नाम ले लें या खालिद का, उसमें कोई जियाला आप जैसा, शंभू सेन जी जैसा, दिलीप सेन जी जैसा निकलता है कि उसे दराज से निकालता है, जगजीत सिंह जी के हवाले करता है, और वो सुर पे पा जाती है, और वो गज़ल दुनिया के हिस्से में आ जाती है। तीसरी गज़ल होती है जो मुशायरों में पढ़ी जाती है। खुशी इस बात की है कि दिलदार साहब ऐसी गज़लें कह रहे हैं जिनमें तासीर तो मुशायरों की है, लेकिन रिवायात उसकी जो हैं वो कदीमी हैं, वो गालिब के ख़ानदान की हैं। जैसे अनवर फैज़ साहब ने ये बात कही, तो मेरी तरफ़ से खासकर मैम, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हम जैसे अपना शायर के लिए, हम लोगों के लिए आपने इतनी बढ़िया बज़्म सजाई, और इस तरह की मीडिया की जो प्रेजेंस है ये हमारे लिए बहुत बड़े मसर्रत का बाइस है। सिर्फ हम इतना कहेंगे कि जब हौसला बना लिया ऊँची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान। बहुत बहुत बहुत।
कंक्लूडिंग नोट्स में ये कह सकता हूँ जो गज़ल के है बहुत ही रोमांटिक गज़ल है कि जब मैं तुम्हारे इश्क में नाकाम हो गया, जब मैं तुम्हारे इश्क में नाकाम हो गया, हर शख्स कह रहा है कि बदनाम हो गया हो गया। पहचानते हैं लोग मुझे तेरे नाम से, मैं भी अजब हूँ प्यार में गुमनाम हो गया, प्यार में गुमनाम हो गया। थैंक यू।